ये बात उस वक्त की है जब थॉमस एल्वा एडिसन छोटे बच्चे थे। एक दिन एडिसन स्कूल से दौड़ते हुए घर आए और अपनी माँ को एक चिट्ठी पकड़ा दी। उनकी माँ ने चिट्ठी खोला और देखा तो उनकी माँ के आंखों में आंसू आ गए और उसने चिट्ठी को एडिसन के सामने जोर जोर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आपका बेटा बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है और वो इतना स्मार्ट है कि हमारे स्कूल में इतने टीचर नहीं हैं और ऐसे टीचर नहीं हैं कि हम लोग उसको पढ़ा सकें, तो प्लीज़ आप उसको घर में ही पढ़ाइए और आप उसको अपने से पढ़ाइए। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, दिन बीतता गया, एडिसन की माँ का देहांत हो गया और एडिसन एक बहुत बड़े इन्वेंटर बन गए, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। तो एक दिन एडिसन अपने घर में कुछ पुराने सामानों के बीच कुछ ढूंढ रहे थे, इसी बीच उनको दराज में एक पुरानी चिट्ठी मिलती है। जब एडिसन उस चिट्ठी को खोलते हैं और उस चिट्ठी को पढ़ते हैं कि आपका बेटा एक मंदबुद्धि है, आपका बेटा एक बेवकूफ़ लड़का है, वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता और हम लोग उसको पढ़ा नहीं सकते, इसलिए आप उसको स्कूल मत भेजना, आपका बेटा मेंटली इल है, मेंटली सिक है, हम लोग उसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते। इस लेटर को देखने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन बहुत ज़्यादा रोए और रोते रोते उसने कहा कि सदी का सबसे महान साइंटिस्ट, सदी का सबसे महान इन्वेंटर एक मेंटली इल बच्चा था, लेकिन अपनी माँ की वजह से आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक माँ कितनी पावरफुल होती है ये इस बात से पता चलता है। एक माँ कितनी पावरफुल हो सकती है कि एक मन बुद्धि से लड़के को वो एक बड़े साइंटिस्ट और दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर बना सकती है सिर्फ बातों से, सिर्फ शब्दों से। आपने इस स्टोरी से क्या सीखा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टिल देन दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।